नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार। आप देख रहे हैं टाइम 5 सितंबर 2018, समय 9:20। मेरा एक ट्रेड देख रहे हैं, लाइव ट्रेड में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों यहां लाइव ट्रेड देख रहे हैं आप लोग, मैं TCS में ऑर्डर लगाया हूँ और इसमें प्रॉफिट हो रहा है। 100 क्वान्टिटी को मैंने शॉर्ट किया है। समय देख लीजिए 5 सितंबर 2018, समय 9:23 हो रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली आज मैं ज़्यादा ट्रेड करने के इच्छुक में नहीं हूँ, मूड में नहीं हूँ। एक्चुअली कल आप लोगों ने, कुछ व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो दोस्तों मैं जो मेरे ट्रेड चल रहे हैं, मैं इन दोनों ट्रेड को ख़त्म करके जल्दी आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में जानकारी देता हूँ। देखता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से समझा पाता हूँ या नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे आप लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइएगा और कौन सा टूल्स यूज़ करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, ताकि आपको एग्जैक्ट आपका स्टॉप लॉस सही हो जाए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ सही जानकारी देने की, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें स्टॉप लॉस के लिए कुछ टूल्स बताए गए हैं, कुछ टूल्स को मैंने बताया कैसे उसको यूज़ करना है, इंट्राडे में कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो सकती है। तो मैं पहले फायर्स में आज पता नहीं प्रॉब्लम चल रहा है, ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कैंसिल भी नहीं हो रहा है। तो मैं जल्दी ये दोनों ट्रेड को ख़त्म कर लेता हूँ अपना, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में जानकारी देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं मेरा ये क्या ट्रेड चल रहा है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है। देखिए TCS में मुझे 400 का प्रॉफिट हो रहा है, 450 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 क्वांटिटी को शॉर्ट किया मैंने। मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में ही चल रहा है, और डाउन साइड तो नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नेरो है। देखिए बिल्कुल नेरो में है, सारे स्टॉक्स नेरो रेंज में चल रहे हैं, है ना। तो मैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए 400 का प्रॉफिट हो चुका है मुझे TCS में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं कोई स्टॉक चुन लेता हूँ। देखिए मैंने एक एशियन पेंट का स्टॉक को सेलेक्ट किया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। देखिए इसको करना क्या है, जैसे मैंने 50 क्वांटिटी को शॉर्ट किया है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है कि आपको इसमें एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे कहते हैं पैराबोलिक SAR, ठीक है। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा सारे चीज़ हटा दिया, ये मेरा एशियन पेंट का ऑर्डर है, ठीक है। 50 क्वांटिटी को मैं सेल किया 1311.80। आप मेरा माउस के पास प्राइस देख रहे हैं, 1311.80 मैंने शॉर्ट किया। अब मैं एक इंडिकेटर का यूज़ करूँगा, पैराबोलिक SR, ये आप लोग जानते होंगे भली भांति। बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेटिंग रहने देना दोस्तों, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अब पैराबोलिक SR, जिस कैंडल के पास आपने सेल किया है उसी कैंडल के ऊपर जो भी प्राइस आ रहा है पैराबोलिक SAR का, उस प्राइस पर हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है, या उस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा वो पॉइंट आ रहा है पैराबोलिक SAR का, जो प्राइस आ रहा है 1316.70, ठीक है, 1316.15 आ रहा है, ठीक है। आप ऊपर भी प्राइस देख सकते हैं, स्टॉक के नाम के नीचे पैराबोलिक SAR का वैल्यू आ रहा है 1315.99, वहाँ पर देखिए, है ना, 1315 कुछ समथिंग आ रहा है। तो मैं वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रख दिया, ठीक है। जिस कैंडल के पास मुझे सेल करना है, मैंने उस कैंडल के पास जो पैराबोलिक SAR का पॉइंट आ रहा है, मैं उस पॉइंट के पास अपने स्टॉप लॉस को रख दिया। देखिए जैसे जैसे वो पॉइंट नीचे आएगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को उसी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, ठीक है। आप अभी देख रहे हैं प्रॉफिट मैंने रख दिया नीचे, बहुत ज़्यादा ब्रैकेट ऑर्डर में मैंने लिया, पहले मैं बता दूँ ब्रैकेट ऑर्डर में लिया है। टारगेट के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ टारगेट के लिए पिवोट पॉइंट लगाना है और उसका देखना है कि वो सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जो सपोर्ट ले रहा है वहाँ पर अपना टारगेट लगाने का। अभी मैंने टारगेट ऐसे ही लगा दिया 20 रुपये का, ठीक है, 20 रुपये का मैंने टारगेट लगा दिया है। तो अब देखिए मैं देख रहा हूँ कि ये 1287 तक जा सकता है, और उसके पहले जो सपोर्ट है, वो आ रहा है 1296 रुपये का। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहला टारगेट मेरा 1296 रुपये का होगा, ठीक है, पहला टारगेट मेरा 1296 रुपये का होगा। तो इस तरह से मैं टारगेट सेट करता हूँ, ठीक है। ये आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, मतलब एकदम बिगनर के लिए, जब नहीं कुछ समझ में आता है कैसे टारगेट लेना, चार्ट रीडिंग नहीं आ रहा तो सीधा सीधी पिवोट पॉइंट निकालिए, ठीक है ना। पिवोट पॉइंट से आप जो सपोर्ट आ गया शॉर्ट किया, तो जो पहला सपोर्ट आ रहा है नज़दीक में, वो आपका पहला टारगेट हो सकता है। तो मैंने इसे शॉर्ट किया है दोस्तों, मैं आपको यहाँ फिर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, जो मैंने इसे शॉर्ट किया है, कैलकुलेटर निकालता हूँ, 1311
1311 रुपये 80 पैसे पे, है ना, 1311 रुपये 80 पैसे पे शॉर्ट किया। जो स्टॉप लॉस लगाया मैंने, लगाया है 1300 पे, तो कुल मिला के 404 रुपये 70 पैसे का आ रहा है रिस्क, और 50 क्वांटिटी शॉर्ट किया यानी 235 रुपये का मेरा रिस्क आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा रिस्क आ रहा है 235 रुपये का। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग उसी तरह स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। जैसे जैसे पैराबोलिक एसआर नीचे आता जाएगा, हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे, हर एक पॉइंट पर लेते हुए चलेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी सेल करना होगा उसके ऊपर जो भी पैराबोलिक एसआर का पॉइंट आ रहा है उसके ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस से थोड़ा सा पॉइंट ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, देखिए मैंने कि स्टार में ऑर्डर लिया था, इसी तरह मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने स्टार को बाय किया था, तो बाय किया 150 क्वांटिटी। अब मैं उसी तरह पैराबोलिक एसआर के थ्रू अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने मैं ट्रेलिंग दिखा रहा हूँ, कैसे कहते हैं कि सारा चीज़ सिर्फ पैराबोलिक एसआर है लगा हुआ, और पॉइंट टू पॉइंट में स्टॉप लॉस को लेता हुआ चलूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये स्टार कहाँ तक जाता है, क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है इसमें मेरा। स्टॉप लॉस आपका हिट भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं है ना, मार्केट आपके हाथ में नहीं है, मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो मार्केट को साथ लेके चलना पड़ेगा। आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, पर हम लोग जो रूल और डिसिप्लिन बनाते हैं उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पैराबोलिक एसआर का पॉइंट टू पॉइंट हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। और जहाँ स्टॉप लॉस को ट्रेल कब करना है दोस्तों, जब कैंडल क्लोज हो जाए। ठीक है, बनते हुए कैंडल के नीचे पैराबोलिक एसआर में स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना, जब वो कैंडल क्लोज हो जाए। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कीजिए, 3 मिनट यूज कीजिए, 5 मिनट यूज कीजिए, 10 मिनट यूज कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी टाइम फ्रेम यूज कीजिएगा और जिस भी कैंडल के ऊपर या नीचे बाय सेल करना है उसके ठीक ऊपर नीचे जो भी पैराबोलिक एसआर होगा वो पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे ये हिसाब से। ठीक है, देखिए मैं धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता जा रहा हूँ। ओके, देखिए मैंने प्रॉफिट को थोड़ा सा, पहला प्रॉफिट पिवोट पॉइंट लगाया और वहाँ पे 495 रुपये पे मैंने रख दिया ले जाके। अब वो जाए या नहीं जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मैंने एक टारगेट सेट कर दिया कि हाँ मुझे इतना दूर तक आने का संभावना लग रहा है। तो इस तरह से स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करते हैं और टारगेट को सेट करते हैं। ठीक है ना, एकदम सिंपल, एकदम न्यूली लोग जो भी अभी बिगनर हैं उसके लिए ये है कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये पैराबोलिक एसआर को यूज कीजिए स्टॉप लॉस लगाने में दोस्तों, और क्लोजिंग बेसिस पे जब कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद ही आपको लगाना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इंट्राडे लाइव ट्रेड में। आज ट्रेडिंग मेरा दो ही था, एक टीसीएस और एक जो आप देखे आपने स्टार का देखा, बस ये दो ही ट्रेड था मेरा। और आप लोगों के लिए मैंने एशियन पेंट को शॉर्ट किया है, एशियन पेंट को एशियन पेंट को मैंने बाय किया, ठीक ना, एशियन पेंट को। और एक और स्टॉक मैंने देख लेता हूँ कौन सा, हाँ एशियन पेंट को, ठीक है एशियन पेंट को मैंने शॉर्ट किया है पैराबोलिक एसआर के थ्रू, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं धीरे धीरे मैं उसी पॉइंट से स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हुआ आ जाऊँगा, और इजी टू इजी। अगर मुझे लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एसआर के थ्रू चल रहा हूँ, पैराबोलिक एसआर से फायर्स में क्या प्रॉब्लम हो गया आज पता नहीं, ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, कुछ से कुछ ऑर्डर दिखा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। इसी तरह स्टार में भी मैंने एक ऑर्डर आप लोगों के लिए लगाया है 200 क्वांटिटी को, मैं पैराबोलिक एसआर के थ्रू इसको ट्रेल करता हुआ चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं ये हमारा टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस। धीरे धीरे हम लोग देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट उसको बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे पैराबोलिक एसआर बन रहा है वैसे वैसे हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं। तो ये पूरा मेथड है ट्रेल करने का, स्टॉप लॉस और लगाने का, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये दो तरीका आप यूज़ कीजिए, देखिए प्रॉफिट भी हो रहा है मुझे। तो ये दो तरीका है यूज़ कीजिए, इधर एशियन पेंट में भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दो तरीका है यूज़ कीजिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका अच्छा आएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा कोर्स ज्वाइन करना हो इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का, जिसका सेकेंड बैच 15 सितंबर 2018 से शुरू होने जा रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उस कोर्स में इसी तरह की इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कैसे आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, कैसे प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, क्या रिस्क होना चाहिए, क्या रिवॉर्ड होना चाहिए, क्या आपका किस तरह के मार्केट में किस तरह का आपकी स्ट्रेटेजी को काम कराना चाहिए, कितने टाइम फ्रेम पे काम करें, मैंने टोटल इन शॉर्ट बताऊँ तो टोटल इंट्राडे का कोर्स मैं कवर करता हूँ। अगर आपको कोर्स के संबंधित ज़्यादा जानकारी चाहिए तब मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तरीका, कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कैसे और इसको क्लियर कर दीजिए, तो मैं इसे और भी उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए क्लियर करने का। तो आप लोग देखिए स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल किया जाता है और कैसे प्रॉफिट बुक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।